न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत में आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को उनके फिर से हुई जीत पर हार्दिक बधाई दी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को उनके फोन करने और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई गई जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों से लोगों के संबंधों में निहित है। न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और भलाई के प्रति उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। और बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसा में मृतकों की आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार एजेंसी AFP ने पुलिस महकमे और अस्पतालों के हवाले से बताया है कि इस हफ्ते अब तक कम से कम 115 लोग मारे जा चुके हैं। राजधानी ढाका और आसपास के जिलों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस के अनुसार हिंसक प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस बूथों में आग लगा दी और साथ ही सरकारी इमारतें लूटी गई हैं और फूंक दी गई हैं। हालात को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कर्फ्यू आज आधी रात से प्रभावी होगा। कानूनी व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण के लिए सेना भी बुलाई गई है और इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्पेन और ब्राजील की अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG 2024 के लिए सेंटर वाइज और सिटी वाइज परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने NTA को शहर और केंद्र प्रारूप में नीट UG 2024 परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था और इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। ABP News आपको रखे आगे।